ओके जी, वेलकम बैक एवरीवन। तो कुछ माइक्स बंद कर दें। ओके, तो हिंदा साहिबा जो हैं वो उनके अलावा हैं, और बेसिकली मैं सीरत का क्वेश्चन पढ़ रहा था। सीरत एक क्वेश्चन इस तरह से कहती हैं कि एक वर्ड लिखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो सर, इस काफिर ने अचानक हमला क्यों किया था? हजरत अब्बास ने एक खत लिखा था, काफिर। सीरत की काफी गहरे सवाल है। अब आई थिंक कि कुछ क्वेश्चंस का पार्ट पीछे रह गया मुझे। तो सीरत, एम आई अलाउड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन? क्या मुझे इजाजत है कि मैं आखिर में जवाब दे सकूं, अगर मुमकिन हो सके तो? अगर आप मुझे ये परमिट कर दें तो आप मुझे हाईली थैंकफुल टू यू। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, गजबे ओहद में नबी पाक से, हाँ, अगर कहीं पे कोई पॉइंट जो है ना वो स्टक हो जाए तो पूछें। क्यों नहीं पूछा क्या लहा है कहा? ओके सर, क्यों नहीं पूछा क्या, क्यों नहीं पूछा क्या लहा है कहा है? सीरत, मुझे ना मैसेजेस पढ़ने की भी, मेरी लगता है, सलाहियत को खत्म करें क्या? लहा है, आप अख्तर लावा से मुतासिर तो नहीं है? अच्छा, चलें चलें। सीरत, सीरत जीत गई, ये हमारा काम नहीं है जी। सीरत, आप इंग्लिश में लिख लिया करें, थोड़ी बहुत मुझे वो आती है। सर, काफिर ने अचानक हमला किया था। जी, अचानक हमला नहीं किया था, टाइम मिला था, खत मिला था, तो इसलिए टाइम मिला था। गजवे ओहद में, जंगे ओहद में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो अपनी, उन्होंने तलवार जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कौन है जो इसका हक अदा करेगा? तो फिर जो है वो एक सहाबी जिसका नाम अबू दजाना था, अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, वो उन्होंने कहा था कि मैं इसका जो है वो हक अदा करूंगा। तलवार का हक वही होता है, तो आप समझ रहे हैं कि जो इसके साथ आज की जंग जीत के दिखाएगा। किफार की तरफ से ये जंग जो है वो जब शुरू होती है, ये क्या झगड़ा शुरू हो गया? अच्छा, वजह मिस किरण, इन्होंने मिस के स्पेलिंग वही लिखे हैं जो कि मिस कंडक्ट के होता हुआ, मिस UNDUC, ठीक है। अच्छा जी, कुफार की तरफ से जो जंग का आगाज हुआ था वो सबसे पहले अबू आमिर औसी ने जो है वो जंगे ओहद में लड़ाई का आगाज किया था। नाम जो है वो याद रखिएगा, ये नाम जो है वो बाज दफा पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अबू आमिर जो है औसी, इन्होंने इसने जो है वो जंग का आगाज किया था कुफार की तरफ से। जंगे ओहद में मुसलमान किस मुकाम की तरफ जा रहे थे, जरा बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में। जंगे ओहद में मुसलमान किस मुकाम की तरफ जा रहे थे, मैंने अभी आपको बताया था, शेखान की तरफ जा रहे थे। याद रखिएगा, जिस मुकाम की तरफ मुसलमान जो है वो जा रहे थे, शेखान, यही वो मुकाम था जहां पे अब्दुल्ला बिन अबी जो है वो चला गया था, वापस चला गया था। वो जो है वो अपने 300 दोस्तों को लेके, साथियों को लेके वापस चला गया। कुरान मजीद में एक सूरत है जिसे सूरह अल इमरान के नाम से जाना जाता है। सूरह अल इमरान में जो है वो गजवा उहद का जिक्र जो है वो मौजूद है। सूरह अल इमरान में जो है वो गजवा उहद का जिक्र जो है वो मौजूद है। नंबर 5 पे बात करेंगे जी। जंगे उहद में हजरत अबू दजाना, हजरत अबू दजाना वही जिन्होंने तलवार जो है वो थामी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके सर पर हर वक्त सुर्ख पट्टी जो है वो बंधी हुई थी, ठीक है, रेड स्ट्रिप जो है वो, रेड स्ट्रिप जो कि इस बात की अलामत थी कि उन्होंने ये सर पर पट्टी बांधी थी कि अब वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे, वो सब कुछ छोड़ के आए हैं। रेड स्ट्रिप का मतलब है कि वो कुफार के लिए खतरे की अलामत है, ठीक है। वो हर वक्त सुर्ख पट्टी जो है वो उन्होंने अपने सामने जो है वो बांध दी थी सर पर, ताकि मुसलमानों को, काफिरों को भी पता हो कि ये बंदा घर से जो है वो लड़ने के लिए और मरने के लिए आया हुआ है। हमने या तो इस बंदे को मारना है, अदरवाइज ये बंदा हमें मार देगा, ये रेड स्ट्रिप का मतलब होता था, ठीक है। ये वही जंगे उहद के दौरान ही जो है वो हिंदा के कहने पर हजरत हमजा को शहीद किया गया था। हजरत हमजा को शहीद करने वाले बंदे का नाम वहशी बिन हर्ब था, ठीक है, वहशी बिन हर्ब जो है वो, वहशी बिन हर्ब। यही वजह है कि अब भी आपके इर्द गिर्द कोई बंदा आपको तंग करता है तो आप उसे वहशी कह देते हैं। ये पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। पॉइंट 5, हजरत जो अबू दर्जाना है, अबू दर्जाना, इनके माथे पर जो है
रेड स्ट्रिप बंधी थी, जिसका मतलब ये था कि ये वापस नहीं जाएंगे, ये मरने के लिए आए हैं, ये शहीद होने के लिए आए हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5। वैशी बिन हब ने हजरत हमजा को शहीद किया था हिंदा के कहने पर। वैशी बिन हब बेसिकली गुलाम था, और इसके आका का नाम जो है वो जब्बैर बिन मुतअम था। ठीक है, जब्बैर, ठीक है। जुबैर बिन मुतम जो है, मैं मुकम्मल लिख देता हूँ, वॉज द लॉर्ड ऑफ वैशी बिन हर्ब। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। जो हजरत हमजा को शहीद करने के बाद हिंदा ने वैशी बिन हर्ब को इनाम के तौर पर, आप जानते हैं कि अपने जेवरात दिए। ठीक है, जेवरात जो है वो दिए। अब अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हजरत हमजा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जो है उनका क्या रिलेशन था जी, क्या रिलेशन था जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो हजरत हमजा का जो है वो बड़ा करीबी रिलेशनशिप था। एग्जैक्टली जो है वो एग्जैक्टली। और ये मुझे बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा और थे जिन्होंने ये बताया था कि कुफार जो हैं वो आ रहे हैं, और जो है वो खत भेजा था, और किस मुकाम पर थे? हजरत अब्बास जो है, हजरत अब्बास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, हजरत अब्बास। और मुझे बताइएगा कि मुसलमानों की तादाद क्या थी और काफिरों की तादाद क्या थी? नहीं, ओहद में मैं बात कर रहा हूँ, ओहद में मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम जो है वो 1000 थे, हाँ, मेरा ख्याल है कि कुरान पाक की सूरह इन्फाल थी शायद ना, आपका सवाल भी मेरी नजर से गुजरा। सूरह अनफाल थी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सूरह इन्फाल थी। उसके अंदर जो है वो इनामात का भी जिक्र था, उसके अंदर बताया भी गया था कि जो है वो मुसलमानों पर अल्लाह ताला की जात ने क्या क्या इनामात किए थे। इन्फाल थी, और या मुझे जो शक है वो एहजाब थी, बट मेरा ख्याल है कि इन्फाल पे ऊपर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो है, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। ओके, जिन्होंने बीए किया होगा ना उन्होंने पढ़ा होगा, अनफाल थी, हाँ, मुसलमानों के इनामात का जिक्र था। मैंने तर्जमे के साथ सारा कुरान पाक किया हुआ है, तो ये काफी चीजें जो हैं वो याद हैं, समझ में रहती हैं। दो तीन सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला की जात ने, इस सूरह अहज़ाब के अंदर जो है वो बड़ी चीजें हैं जो सीखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा जो है आपको सीखने को मिलेंगी, मैं चूंकि कुरान पाक है तो कुछ जो है वो आपको पता, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, लेकिन इन्फाल और एहजाब को जो है वो जरूर पढ़िएगा। और इसके अलावा जो है सूरह अल बकरा जो है, जो सबसे बड़ी सूरत है, उसको भी जरूर देखिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। यहाँ से हजरत हमजा के साथ एक और भी अब्दुल्ला बिन हाजिस जो है वो नाम था, हाँ सही कह रहे हैं आपने, वो अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला बिन हाजिस जो है, ये भी जो है वो शहीद होते हैं। इनके साथ ही हजरत हमजा के साथ जो है वो ये भी शहीद होते हैं उसी जंग में जो है। हजरत हंजला जो है, यहाँ तक क्लियर है जी? अब थोड़ा सा डिफरेंट है जी। अब्दुल्ला बिन हाजिस जो है वो भी हजरत हमजा के साथ शहीद हो जाते हैं, और ये जो है वो उनके भांजे थे। ठीक है जी, ये उनके भांजे थे। अब 9th नंबर पे एक ऐसे सहाबी थे अल्लाह के जो हैं वो रसूल के मानने वाले, जिन्होंने जिनकी अभी शादी हुई थी, शादी हुई थी
जंगे, और जिस वक्त जो है वो जंग का ऐलान हुआ, कहता है कि उनके कानों में जब ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी जरूरत है, तो आपने जो है अपनी दुल्हन को घर में छोड़ा और जंग में शिरकत के लिए चले गए। इनका नाम जो है वो हंजला बिन उमैर था, ठीक है, इनका नाम जो है वो हंजला बिन उमैर था, हंजला बिन उमैर था। और ये कहा जाता है कि हंजला बिन उमैर जो है इनको जो है वो गसीले मलाइका का लकब दिया गया। गसीले मलाइका जो है यानी कि ऐसा पर्सन जिसे फरिश्ते जो हैं वो खुद से गुसल देते हैं, गसीले। सो हंजला बिन उमैर है। हम जानते हैं कि जंगे उहद में मुसलमानों की शिकस्त की वजह जो है वो 50 तीर अंदाजों की गलती बनी, कि उनमें से 50 में से जो है वो 40 लोग हैं वो अपनी जगह से हट गए, वो अपनी जगह से मूव कर गए। ये जिस जगह पे थे उस जगह का नाम जबल रब्बात था, जबल पहाड़ी को कहते हैं, रब्बात जो है वो उस पहाड़ी पे नबी वसल्लम ने इनको मामूर किया था और फरमाया था कि मेरे कहने के बगैर यहाँ से मूव नहीं करना, यहाँ से हरकत नहीं करनी। लेकिन ये लोग जो है इन्होंने देखा कि जिस तरह से गज़वा बदर में थे कि 3 दफा जंग होती है एक ही दिन में, इन्होंने इन्हें लगा कि हम जो है वो जंग भी जीत चुके हैं, लेकिन काफिरों ने दोबारा से हमला कर दिया। और उस वक्त जो है वो किनकी क्यादत में काफिरों ने हमला किया था और जीते थे, वो बाद में मुसलमान भी हो गए थे, नाम याद है आपको, बड़े फेमस सहाबी हैं, उनकी क्यादत में उन्होंने दोबारा हमला किया था। कोई गैस करें, रेंडम गैस करें, हजरत खालिद बिन वलीद थे, अबू सफियान नहीं थे। हजरत खालिद बिन वलीद का एक टाइटल था, वो बता सकते हैं कौन से? एक टाइटल था इनको दिया हुआ। सैफुल्ला का टाइटल था। जंगे उहद में हजरत अमरु बिन साबत जो हैं, हजरत उमरु बिन साबत जो हैं, ये एक ऐसे साहबी थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अकीदत रखते थे, बड़ी अकीदत रखते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरा सोसाइटी क्या कहेगी, मुआशरे क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो इनको जो है एक अल्लाह ताला की जात ने बड़े मुकाम और बड़े मर्तबे से नवाजा। जब जंगे उहद हो रही थी, इनके दिल में आया कि मुसलमान जो है वो हक में, सच में है, मुझे इनको सपोर्ट करना चाहिए। हजरत अमरु बिन साबित जो है, अब अच्छा जी ए से मैं लिखूंगा क्योंकि मैं अमरु बिन साबित लिखना चाह रहा हूँ। हजरत अमरु बिन साबित जो है वो इन्होंने डायरेक्ट जंग के अंदर ही शिरकत की थी और इन्होंने मौत के वक्त इस्लाम कबूल किया था, एट द टाइम ऑफ डेथ इन्होंने तब इस्लाम कबूल किया था, तब कलमा पढ़ा था। और एक भी नमाज पढ़े बगैर, एक भी नमाज पढ़े बगैर शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। ये शहीद थे, ठीक है जी, ये शहीद थे। इन्हें जो है ये पहले पर्सन है हजरत अमरु बिन साबित जो हैं जो कि एक भी नमाज अदा किए बगैर शहादत के रुतबे पर फायज हो गए, लेकिन ये शहीद। नबी वसल्लम से जो है एक सहाबी थे, उनकी शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी, उनका नाम मुआसब बिन उमैर था, ठीक है जी। मासूम बिन उमैर जो है वो उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा शबाहत थी। हुआ कुछ यूं कि जंगे उहद की लड़ाई में हजरत मासूम बिन उमैर की शहादत जो है वो हो गई, और ये अफवाह फैल गई कि खुदा ना खास्ता नऊज़ बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे। अब जंगे उहद में जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर मुसलमान फौज बिखर गई, लेकिन आपके गिर्द जो है वो 20 सहाबी जो है वो आपके गिर्द मौजूद रहे, 20 के करीब लोग जो है वो आपके गिर्द मौजूद रहे। गजवा उहद में एक ऐसा बदबخت किस्म का काफिर था, एक ऐसा बदबخت किस्म का नॉन बिलीवर था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार के साथ जो है वो आपके चेहरे पर हमला किया। उसका नाम अब्दुल्ला बिन कमैया था। अब्दुल्ला बिन कमैया ने तलवार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर हमला किया, ठीक है। और जंगे उहद में उतबा बिन अबी वकास नाम जो है वो देख लीजिएगा, उतबा बिन अबी वकास, इसने इतनी जोर से जो है वो पत्थर मारा, इतनी जोर से पत्थर मारा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जरा पहनी हुई थी, जो जरा बख्तर पहनी हुई थी, उसकी खुद की जो दो कड़ियां थी वो जिल्द में पिवस्त होकर दूसरी तरफ निकल गई, ठीक है। जो उतबा बिन अबी वकास ने इतनी जोर से पत्थर मारा कि वो जो जरा थी, वो जो जिस्म के साथ थी, वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो हाथों में निकल गई। तो ये उतबा बिन वकास का भी नाम याद रखेगा। लेकिन नबी बख्श के गिर जो है वो 20 सहाबी थे, जानसार थे, जो बचाने की
कोशिश कर रहे थे, और सरवर कायनात खुद भी बड़े मजबूत और बड़े बहादुर थे। कहा जाता है कि पैगंबर के अंदर 70 आम जो है इंसानों से ज्यादा ताकत होती है। सो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये नाम याद रखेगा, हजरत अबू उबैदा ने जंगे उहुद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में जो कड़ियां थी, वो जो बाजुओं में और जगह पे थी, उनको अपने दांतों के साथ जो है वो टीथ के साथ जो है वो खेच खेच के निकाला हजरत अबू उबैदा ने। ठीक है, ये जंगे उहुद ही था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक का कुछ हिस्सा टूट गया। कुछ मुफस्सरीन पूरा दांत लिखते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत का कुछ हिस्सा टूटा था, पूरा दांत जख्मी नहीं हुआ था। गज़वे उहुद में जो नतायज हैं उनकी तरफ चलते हैं। जो मुशरिकीन थे, नॉन बिलीवर थे, उनकी जो डेथ हुई वो 30 लोग थे। 30 लोग जो हैं वो मारे गए। मुसलमान जो हैं वो जो शहीद होते हैं, वो 17 मुस्लिम जो हैं वो उनकी उनको शहादत मिलती है। गज़वे उहुद में शिकस्त की सबसे बड़ी वजह कुरान पाक के मुताबिक जो है अल्लाह ताला की जात ने बताया कि ये जो है वो वजह थी, माल थी, वेल्थ थी, दौलत है। और ये अल्लाह ताला की जात ने जो है वो किस में बताया, सूरह अल इमरान में पॉइंट नंबर 16। अबू उबैदा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में वो जो जो कड़ियां जो पेवस्त हो गई थी उनको अपने दांतों से निकाला था। ठीक है मरियम। अच्छा जी, आखिरी 2-3 बातें। अच्छा जी, गजबे ओद में 14 मुसलमान औरतों ने शिरकत की थी। 14 मुस्लिम्स वुमेन वर देयर। जंगे उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो दिफा करते हुए सहाबा कराम भी थे, लेकिन जब जो है वो सहाबा कराम के साथ साथ जो है वो डेफिनेटली सहाबियात भी वहीं पे थी, खवातीन भी वहीं पे थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए कि हर तरफ से जो है वो इनको महफूज रहे, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनके जिस्म पर भी जो है वो इनके जिस्म पर भी जो है वो 12 जख्म आए थे। 12 वॉन्ड जो है वो 12 इंजरीज जो है वो इनको फेस करनी पड़ी थी। हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो खवातीन की तरफ से थी, और ये मुसलमानों का जो है वो दिफा कर रहे थे, उनका जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। और सरवरे कायनात को जब इन्होंने देखा कि काफिर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हैं, तो सारे मुसलमान जो है वो सिपा सलार की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो महवर होता है जो सबको जोड़ के रखते हैं, तो इसलिए जो है वो इन्होंने भी दिफा किया। अच्छा जी, गज़वे उहुद के सहाबी जो है वो एक सहाबी थे जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी डेथ पे बहुत रंजीदा हुए, वो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। और हजरत हमजा जो है वो इनकी नमाज जनाजा जो है वो 70 दफा पढ़ाए गए थे। 70 दफा जो है वो इनकी नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई गई थी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की। हजरत हमजा की नमाज जनाजा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई थी। ठीक है, सरवरे कायनात ने जो है वो खुद ये नमाज जनाजा अदा करवाई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, और ये पहाड़ जो है वो मक्का से इसका फासला जो है वो 3 किलोमीटर का है। जी 3 किलोमीटर का ये जो है वो चले। अच्छा जी, डेट वॉज समथिंग अबाउट टुडे, ये सारे का सारा था। और मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड द क्विज, क्विज कितने लोगों ने जो है वो तैयार किया हुआ है। जैनब ने, मरीम जफर ने, और बाकी लोगों ने सिर्फ लोड शेडिंग एंजॉय किया किया तो है सर। मैं सीरत, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। सीरत अपना माइक आप ओपन करते हैं ताकि हम सब सुन आपको। सीरत का तो मैंने माइक ओपन किया है। सीरत आप अपना माइक ओपन प्लीज। अब ये ने लिखा सर पीछे शोर बहुत है। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, आई वाज किडिंग सीरत, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप बिल्कुल इजी रहें, कोई जरूरी नहीं है माइक ओपन करना।
चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल की फाइल भी शेयर होगी और हम जो हैं वो कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। ये अभी ख़त्म नहीं हुई, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुई। इनमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं शामिल था। आप अपना क्वेश्चन इसको महफूज रखिए, ठीक है? क्या हज़रत उम्मे उमारा भी इसमें शामिल थी? सही बार जनाजे पढ़ाया गया था। नबी वसल्लम बहुत संजीदा थे खदीजा, और बहुत दुख हुआ था। इनफैक्ट जो है हजरत हमजा इस्लाम के नसब से फसलार थे, नबी पाक के चचा थे, और बहुत करीबी लगाव था नबी पाकलम को। दुख के अल्लाह ताला की जात जो है वो इनकी बख्शिश जो है वो कर दें, वो के वो खुद भी जो है वो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी जो है वो के अल्लाह ताला की जात कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चचा जो है वो उनको अगली दुनिया में जाके दुख का सामना करना पड़े। तो इसलिए नबी पाकलम ने कोशिश की। आपको पता, नबी पाकलम जो है वो खुद उम्मत के लिए भी बहुत रोया करते थे, बहुत रोया करते थे कि उम्मत के लिए सबसे ज्यादा रोते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जहाँ पे पैगम्बरों ने कुछ और दुआएं मांगी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआएं मांगी। और इवन कि एक दुआ मुफस्सरीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रखी कि मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा, अल्लाह ताला से मांगूंगा, जो अल्लाह ताला के साथ रद्द नहीं करते हैं किसी के, ठीक है? तो इसलिए बुलाया था। चलें जी, सुबह हम जो है वो क्विज लेंगे। एंजॉय कीजिए सर, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। और एजुकेटर्स की जॉब्स और बाकी जॉब्स जो हैं, कल फिर भी बीएससी ने कुछ जॉब अनाउंस की हैं। नईम साहब जो हैं, अगर उसको शेयर कर दें ग्रुप में जो कल आई हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनमें असिस्टेंट की कुछ जॉब्स हैं जिन पे बहुत से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिए जी अपना, आप सबसे कल मुलाकात होगी। होप टू सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो। जल्दन, खुदा हाफिज़।